नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाँ सिंपल से ठीक है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिख दिया ठीक है, सारा क्वेश्चन वीवीआई ठीक है, अच्छे से आप सबको रट के आना। भारतीय संविधान के ठीक हो, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? कि निर्माता जो किया था भारतीय संविधान निर्माता जो उसका किया था ठीक है, हम किसे जानते हैं? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर पंडित जवाहरलाल, डी नंबर सुभाष। निर्माता उसका जन्मदाता उसी बोलता निर्माता ठीक है, निर्माता क्या था भारतीय संविधान का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक नंबर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है ठीक है बाबू। देखो कोई भी क्वेश्चन अच्छे समझो, समझ लो बारीकी बारीकी, जब तक आप नहीं समझे तब तक आप कुछ नहीं समझ रहे ठीक है, देख सकते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखो, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक की बोला शरीक होना चाहता था ठीक है, शामिल सही में क्या शामिल होना चाहता था ठीक है, किस खेल में? ए नंबर फुटबॉल के खेल में, बी नंबर हॉकी के खेल में, सी नंबर बैडमिंटन के खेल में, डी नंबर लट्टू के खेल में। हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन से कोई तो ऑप्शन सही होगा चारों में से, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था। कौन? कासू। कौन होना चाहता था? कासू मदन के साथ। तीन नंबर देखो, वारेन हेस्टिंग कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग के बारे में पूछा कि वारेन हेस्टिंग कौन था? ए नंबर भारत का गवर्नर जनरल, बी नंबर फारस का राजा, सी नंबर महान दार्शनिक, डी नंबर प्रसिद्ध समाज सुधारक ठीक है। किसके बारे में पूछा? वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट उपाधि किसे की पूछा? महारानी विक्टोरिया ने नाइट उपाधि प्रदान की थी, पूछा किसको प्रदान की थी ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा फटाफट कमेंट में मारिएगा। ए नंबर मैक्स मूलर को, बी नंबर अमरकांत को, सी नंबर बिरजू महाराज को, डी नंबर अशोक वाजपेयी। ए नंबर ऑप्शन सही है, किसको प्रदान किया था? मैक्स मूलर। कौन? महारानी विक्टोरिया ने किसको नाइट उपाधि प्रदान की थी? मैक्स मूलर को ठीक है। छह नंबर ठीक है, पूछेगा ही, पूछने की संभावना ठीक है, ये तो बिहार बोर्ड पर निर्भर करता है, पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने की संभावना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की पूछा? साहित्य की किस विधा में लेख का लेख नहीं है? लेख के बारे में पूछा कि उस किस विधा में लेख लेखक नहीं है ठीक है। ए नंबर आलोचना, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर कहानी, डी नंबर निबंध। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, निबंध हो जाएगा। क्या जगह? निबंध। द्विवेदी ने शायद किस विधा का लेख नहीं है? निबंध का। देखो सातवां क्वेश्चन, पहले पहल की किन राजाओं के लेखकों की लिपि को ही नंदी नागरी के नाम दिया? कि पूछा? नंदी नागरी के नाम दिया गया था। किसके बारे में बोल रहा था? लेखकों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। किसके बारे में? लेखकों की लिपि के बारे में पूछा। हमारा ऑप्शन क्या है? देवगिरी राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, सी नंबर राष्ट्रकूट राजाओं का, डी नंबर चोल राजाओं का। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं का। इसका विजयनगर राजा वीवीआई है आठ नंबर ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, अच्छे से याद करिएगा इसको भी। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? किस पूछा बना? मुद्रण के टाइप पूछा कि मुद्रण के टाइप कब बने हैं ठीक है। पहला नंबर दो सदी के पहले में, दो दशक के पहले में, और बीसवीं सदी में, और ग्यारहवीं सदी में। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कब बना था? दो सदी देवनागरी लिपि के मुद्रण टाइप में। देखो बाबू ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार के बारे में पूछा, कहानीकार कौन है ठीक है, कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक पहले क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानीकार ठीक है, कहानी के कहानीकार के बारे में कहानीकार कौन है? ए नंबर अमरकांत, बी नंबर राजेंद्र यादव, सी नंबर कमलेश्वर, डी नंबर ज्ञान। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, अमरकांत। कौन हो जाएगा? अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? अमरकांत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है वीवीआई। रूप की क्रांति के बारे में पूछा कि कब हुई थी ठीक है, रूप की क्रांति कब हुई थी? ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। देखो इसमें सीरियल तो नंबर नहीं है, एक भी नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट नंबर है। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, 1917 ईस्वी में रूप क्रांति हुआ था। कब हुआ था पूछेगा कि रूप क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट वीवीआई है ठीक है।
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, साक्षात्कार पूरा किसने लिया था, ठीक है, उसका साक्षात्कार, ठीक है। ए नंबर रश्मि वाजपेयी, बी नंबर सरस्वती, सी नंबर दीपा, डी नंबर अर्चना, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, रश्मि वाजपेयी लिया था साक्षात्कार, किसने लिया था, रश्मि वाजपेयी, किसका, बिरजू महाराज का, किसका लिया था, बिरजू महाराज का। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या पूछा, जीर्णोद्वार का अर्थ के बारे में पूछा कि दर अर्थ क्या, ये भी क्वेश्चन भी आई, ठीक है। पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, बी नंबर सी में नए को मिटाना, डी नंबर पुराने को बेचना, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, पुराने को नया कर देना, अच्छे से इसको याद करना। अशोक वाजपेयी लाल शत्रुज में कितने दिनों तक रहे, शत्रुज में कितने दिन तक रहा, ठीक है, 19 दिन तक, 7